क्योंकि लगातार तुम प्रदर्शन कर रहे हो बीजेपी के खिलाफ, पर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी काम करने का तरीका ही नहीं है कि जान बुझे किसानों परेशान कर। तरीका तो मैनू लगता दिल्ली ने सिखा ही दिता तीन बारी तरीके वाले तो वह मिल रहा अजे कोई गल नहीं इतने भी सीख लेने तरीका लोग भी सिखा देने तरीका कोई गल नहीं सारे पता तरीका कि मैं सीखा जाता आम आदमी पार्टी अज बीजेपी दफ्तर का घिराव कर रही है, जिसनों लैके MLA मंत्री आम आदमी पार्टी के वर्कर बड़ी गिणती के चंडीगढ़ के पहुंचे ने। इसनों लैके तस्वीर तुम दिखा दें जिस तरीके लगातार बड़ा इकट्ठ घिराव कर जा रहा है। तो इसनों लैके गुरलाल घनौर साढ़े MLA जड़े घनौर तो ने उन्होंने गलबात करते हैं तो जाना ने गल कर ली घनौर साहब आप। हाँ तो किवें देखते हो कि लगातार तुम प्रदर्शन कर रहे हो बीजेपी के खिलाफ, पर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी काम करने का तरीका ही नहीं है कि जान बुझे किसानों परेशान कर। तरीका तो मैनू लगता दिल्ली ने सिखा ही दिता तीन बारी तरीके वाले तो वह मिल रहा अजे कोई गल नहीं इतने भी सीख लेने तरीका लोग भी सिखा देने तरीका कोई गल नहीं सारे पता तरीका कि मैं सीखा जाता। सो प्रदर्शन फर्क लगता कुछ पे? बिल्कुल जी बिल्कुल पता लग जाता भी किसान मजदूर आड़ती सैल व्यापारी जो सारे वर्ग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर गल जी सुननी पैंती है। बाजवा वर्ग बयान दे रहे कहते कि भगवंत मान एक बार भी दिल्ली नहीं गया, मंत्री मीटिंग नहीं की, जिन्होंने हल करने सुनने तक तो गया नहीं, एक अपनी आकड़ जा रही है लगातार। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਵੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜਵੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਔਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਰਵਨੀਤ ਮਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਤੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਬਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।